हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार रेल पे। दोस्तों, 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट चालू हुआ था और दोस्तों 8 नवंबर से चालू होने के बाद 7 दिसंबर तक के जो फ्लाइट्स के रिकॉर्ड आए थे उसके मुताबिक करीब 30,000 से ज़्यादा यात्रियों ने दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा की थी। लेकिन दोस्तों, अब जब दूसरी बार फिर से दरभंगा एयरपोर्ट के जो रिकॉर्ड्स आए हैं उसने साबित कर दिया है कि दरभंगा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट की सर्विसेज है वो बेमिसाल है। दोस्तों, यदि अभी हम दरभंगा एयरपोर्ट से बात करें तो दिसंबर महीने में प्रतिदिन 3 फ्लाइट थी, लेकिन दोस्तों ये अधिकतर दिन कैंसिल रही थी। दोस्तों, जो आधिकारिक रिपोर्ट आई है वो आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। दोस्तों, इसके मुताबिक कुल 79 फ्लाइट ने यहाँ पे लैंड की है और 79 फ्लाइट ने ही यहाँ से उड़ान भी भरी है। दोस्तों, जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरने वाले 79 फ्लाइट में कुल 12,550 यात्री यहाँ पे उतरे हैं, यानी कि हर फ्लाइट में एवरेज 159 यात्रियों ने ट्रैवल किया है, जो कि 180 सीटर विमान में से मात्र 20 कम है, यानी कि हर फ्लाइट में मात्र 20 सीटें खाली रही हैं। और दोस्तों, यहाँ से उड़ने वाले यदि हम फ्लाइटों की बात करें तो यहाँ से सेम संख्या यानी कि 79 फ्लाइट ने ही उड़ान भरी है और इसमें कुल 13,768 यात्रियों ने यात्रा की है, यानी कि हर फ्लाइट में मात्र 6 सीटें खाली रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग है स्पाइसजेट के लिए और इसी के साथ दरभंगा एयरपोर्ट के लिए। और दोस्तों, यदि हम कुल मिलाकर यहाँ से बात करें तो दिसंबर के महीने में दरभंगा एयरपोर्ट से कुल 26,318 यात्रियों ने ट्रैवल किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस नए वाले एयरपोर्ट के लिए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कमेंट दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।